भी माँ बाप में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पर हमने बात किया था कि अर्जुन और कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए, ऐसा क्यों कहा था, और सात्यकी का पराक्रम, कर्ण का पराक्रम। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो या प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरुआत से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आज का चैप्टर है घटोत्कच और जटासुर के पुत्र अलम्बुस का घोर युद्ध और अलम्बुस का वध। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में इस प्रकार कर्ण का वध करने की इच्छा से उद्युत हुए घटोत्कच को सूत पुत्र के रथ की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से इस प्रकार कहा, भाई, ये राक्षस रणभूमि में कर्ण का वेगपूर्वक पराक्रम देखकर तीव्र गति से उस पर आक्रमण कर रहा है, अतः उस महारथी घटोत्कच को रोको। तुम विशाल सेना से घिरकर वहीं जाओ जहां महाबली वैकृतन कर्ण रणभूमि में उस राक्षस के साथ युद्ध करना चाहते हैं। मानद, तुम सेना के साथ सावधान होकर रणभूमि में कर्ण की रक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के प्रमादवश वो भयंकर राक्षस कर्ण का विनाश कर डाले। राजन, इसी प्रकार जटासुर का बलवान पुत्र योद्धाओं में श्रेष्ठ एक राक्षस दुर्योधन के पास आकर इस प्रकार बोला, दुर्योधन, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात शत्रु रणदुर्मत पांडवों का उनके सेवकों सहित वध करना चाहता हूँ। मेरे पिता जटासुर राक्षसों के अगुआ थे, उन्हें पूर्वकाल में इन नीच कुंती कुमारों ने राक्षस विनाशक कर्म करके मार गिराया, यानी भीम ने जो मारा था, ठीक है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। राजेंद्र, मैं शत्रुओं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करके उनके वध का बदला लेना चाहता हूँ, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। तब राजा दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार उससे कहा, वीरवर, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के साथ मिलकर मैं स्वयं ही तुम्हारे शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से घटोत्कच के पास जाओ और युद्ध में उसे मार डालो। वो क्रूर कर्म निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ है। हाथियों, घोड़ों और रथों का विनाश करने वाले आकाशचारी राक्षस घटोत्कच सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। तुम युद्ध में उसे मारकर यमलोक भेज दो। जटासुर के पुत्र का नाम अलम्बुस था। उस विशालकाय राक्षस ने दुर्योधन से कहा, तथास्तु, कहकर भीमसेन पुत्र घटोत्कच को ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अकेले हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने अलम्बुस, कर्ण तथा उस दुर्लभ्य कौरव सेना को भी मत डाला। राक्षस अलम्बुस ने घटोत्कच का मायाबल देखकर उसके ऊपर तुरंत ही नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। उन महाबली निशाचर ने भीमसेन कुमार को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके अपने बाण समूह से पांडवों सेना को खदेड़ना आरंभ किया। भारत उसके खदेड़े हुए पांडव सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान उस निश्चित काल में चारों ओर बिखर गए। राजन, इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से छिन्न भिन्न हुई आपकी सेना भी शस्त्र मशाले फेंक कर आधी रात के समय सब और भाग चली। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुस ने उस महासमर में भीमसेन कुमार घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया, मानो महावत ने महान गजराज को अंकुशों से मार दिया हो। ये देख अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए घटोत्कच ने अलम्बुस के साथी घोड़ों और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात जैसे मेघ मेरु पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने भी कर्ण पर, अन्यन्य शस्त्र कौरव योद्धाओं पर तथा अलम्बुस पर भी बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। उस राक्षस से पीड़ित हुई संपूर्ण चतुरंगिनी कौरव सेना विक्षुब्ध हो उठी और आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करने लगी। महाराज, उस समय साथी के मारे जाने पर रथहीन हुए अलम्बुस ने रणभूमि में कुपित हो घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कांप उठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष तृण और गुल्म सहित पर्वत हिलने लगता है। तत्पश्चात भीमसेन पुत्र घटोत्कच ने शत्रु समूह का नाश करने वाले अपनी परिघ जैसी मोटी बाह के मुक्के से जटासुर के पुत्र को बहुत मारा। क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने उसे अच्छी तरह मत कर तुरंत ही धरती पर दे मारा और इंद्रध्वज के समान अपनी दोनों भुजाओं द्वारा उसे भूतल पर रगड़ना आरंभ किया। तब जटासुर का पुत्र अपने आप को घटोत्कच से बंधन से, मतलब घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाकर पुनः उड़ गया
और बड़े वेग से उसकी ओर झपटा। अलम्बुस ने भी झपटा देकर रणभूमि में राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और रोषपूर्वक उसे पृथ्वी पर रगड़ने लगा। गरजते हुए उन दोनों विशालकाय राक्षस घटोत्कच और अलम्बुस का वो युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। इंद्र और वाली के समान पराक्रमी वे दोनों अत्यंत मायावी राक्षस अपनी माया द्वारा एक दूसरे से बढ़ जाने की चेष्टा करते हुए परस्पर युद्ध कर रहे थे। एक ने आग बनकर आक्रमण किया तो दूसरे ने महासागर बनकर उसे बुझा दिया। इसी प्रकार एक तक्षक नाग बना तो दूसरा गरुड़, फिर एक मेघ बना तो दूसरा प्रचंड वायु, तत्पश्चात एक महान पर्वत बनकर खड़ा हुआ तो दूसरा वज्र बनकर उस पर टूट पड़ा। फिर वे क्रमशः हाथी और सिंह तथा सूर्य और राहु बन गए। इस प्रकार वे अलम्बुस और घटोत्कच एक दूसरे के वध की इच्छा से सैकड़ों माया की सृष्टि करते हुए परस्पर अत्यंत विचित्र युद्ध करने लगे। वे दोनों निशाचर पर एक सदा ग्रास मुसल पट्टीश मुसल और पर्वत शिखरों से एक दूसरे पर चोट करने लगे। उस युद्ध स्थल में वे माया महामाया भी श्रेष्ठ राक्षस अपने हाथियों घोड़ों रथों और पैदल सैनिकों के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। राजन, तदनंतर घटोत्कच अलम्बुस के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित होकर ऊपर उछला और जैसे बाज चिड़िया पर झपट्टा मारता है उसी प्रकार उसके ऊपर टूट पड़ा। विशालकाय राक्षस राज अलम्बुस को दोनों हाथों से पकड़कर घटोत्कच ने युद्धस्थल में उसे उठाकर धरती पर दे मारा, मानो भगवान विष्णु ने मायासुर को पछाड़ दिया हो। महाराज, तब अमित पराक्रम घटोत्कच ने अद्भुत दिखाई देने वाले अपनी तलवार उठाकर समरांगन में अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए उछल कूद मचाते हुए शत्रु अलम्बुस के भयंकर एवं विकराल मस्तक को उस भयानक राक्षस की काया से काटकर अलग कर दिया। खून से भीगे हुए उस मस्तक के केश पकड़कर महाबाहु राक्षस घटोत्कच दुर्योधन के रथ की ओर चल दिया और पास जाकर मुस्कुराते हुए उसने विकराल मुख एवं केश वाले उस सिर को उसके रथ पर फेंककर वर्षाकाल के मेघ की भांति गर्जना कर की। राजन, तत्पश्चात वो दुर्योधन से इस प्रकार बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला, तूने देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तू कर्ण की तथा अपनी भी फिर ऐसी ही अवस्था देखेगा। जो अपने धर्म अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए तेरे मित्र का ये मस्तक मैं भेंट के तौर पर लाया हूँ। तू अब तक यहाँ प्रसन्नतापूर्वक खड़ा रहे जब तक कि मैं कर्ण का वध नहीं कर देता। नरेश्वर, ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ घटोत्कच तीखे बाण समूह की वर्षा करता हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया। महाराज, तदनंतर रणभूमि में सबको विश्व में डालने वाला मनुष्य और राक्षस का वो घोर एवं भयानक युद्ध आरंभ हो गया। नेक्स्ट चैप्टर घटोत्कच और उसके रथ आदि के स्वरूप का वर्णन तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर संग्राम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय सूर्यपुत्र कर्ण तथा राक्षस घटोत्कच जो एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उनका वो युद्ध किस प्रकार हुआ? उस भयंकर राक्षस का रूप उस समय कैसा था? उसका रथ कैसा था? उसके घोड़े और संपूर्ण आयुध कैसे थे? उसके घोड़े कितने बड़े थे? रथ की ध्वजा की ऊंचाई और धनुष की लंबाई कितनी थी? उसके कवच और शीर त्राण कैसे थे? संजय, मेरे प्रश्न का के अनुसार ये सारी बातें बताओ, क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो। संजय कहते हैं, राजन, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था, उसकी आंखें सुर्ख रंग की थी, मुंह तांबे के रंग का और पेट धसा हुआ था, उसके रोएं ऊपर की ओर उठे हुए थे, दाढ़ी मूछ काली थी, थोड़ी बड़ी दिखाई देती थी, मुंह कान तक फटा हुआ था, दाढ़ें तीखी होने के कारण वो विकराल जान पड़ता था, जीभ और ओठ तांबे के समान लाल और लंबे थे, भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, गर्दन लाल और शरीर पर्वताकार था। वो देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी डेढ़ भुजा और मस्तक सभी विशाल थे, उसका बल भी महान था, आकृति बडोल थी, उसका स्पर्श कठोर था, उसकी पिंडलियां विकट और सुदृढ़ थी, उसके नितंब भाग स्थूल थे, उसकी नाभि छोटी होने के कारण छिपी हुई थी, उसके शरीर की बढ़ती रुक गई थी,
वो लंबे कद का था, उसने हाथों में आभूषण पहन रखे थे, भुजाओं में बांजूबंद धारण कर रखे थे। वो बड़ी बड़ी मायाओं का जानकार था। वो अपनी छाती पर सुवर्णमय पदक पहनकर अग्नि के माला धारण किए पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके मस्तक पर सोने का बना हुआ विचित्र उज्ज्वल मुकुट तोरण के समान सुशोभित हो रहा था। उस मुकुट की विविध अंगों से बड़ी शोभा हो रही थी। वो प्रभात काल के सूर्य की भांति कांतिमान हो कुंडल सोने की सुंदर माला और कांसे का विशाल एवं चमकीला कवच धारण किया हुआ था। उसके रथ सैकड़ों शुद्र घंटिकाओं का मधुर घोष होता था। उस पर लाल रंग की ध्वजा पताका फहरा रही थी। उस रथ के संपूर्ण अंगों पर रीछ की खाल मढ़ी गई थी। वो विशाल रथ चारों ओर से 400 हाथ लंबा था। उस पर सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध रखे गए थे। उसमें 8 पहिए लगे थे और चलते समय उस रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी। विशाल ध्वज उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर घटोत्कच आरूढ़ था। मतवाले हाथी के समान प्रतीत होने वाले 100 बलवान एवं भयंकर घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे, जिनकी आंखें लाल थी तथा जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और मनचाहे वेग से चलने वाले थे। उन घोड़ों के कंधे पर लंबे लंबे बाल थे। वे परिश्रम को जीत चुके थे। वे सभी अपने विशाल केसरों गर्दना के लंबे बालों से सुशोभित थे और उस भयानक राक्षस का भार बहन करते हुए वे बारंबार हिनहिना रहे थे। दैवीत्यमान मुख और कुंडलों से युक्त विरूपाक्ष नामक राक्षस घटोत्कच का सारथी था, जो रणभूमि में सूर्य की किरणों के समान चमकीली बागडोर पकड़कर उस घोड़ों को काबू में रखता था। उसके साथ रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच ऐसा जान पड़ता था मानो अरुण नामक सारथी के साथ सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान हो। जैसे महान पर्वत किसी महामेघ से संयुक्त हो जाए, उसी प्रकार अपने सारथी के साथ बैठा हुआ घटोत्कच की शोभा हो रही थी। उसके रथ पर बहुत ऊंची गगनचुम्बनी पताका फहरा रही थी, जिस पर एक लाल सिर वाला अत्यंत भयंकर मांसभोजी गिद्ध दिखाई देता था। वीरों का संहार करने वाले उस रात्रि में इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले उस सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले एक हाथ चौड़ी एवं 12 अरत्री लंबे धनुष को खींचता और रथ के घोड़े के समान मोटे बाणों से संपूर्ण दिशा को आच्छादित करता हुआ घटोत्कच कर्ण की ओर चला। रथ पर स्थिरतापूर्वक खड़े हो जब वो अपने धनुष को खींच रहा था, उस समय उसकी टंका ध्वनि गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी। भारत, उस समय घोर शब्द से डराई हुई आपकी सारी सेनाएं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान कांपने लगी। विकराल नेत्रों वाले उस भयानक राक्षस को आते देख राधा पुत्र कर्ण ने मुस्कुराते हुए से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर उसे रोका। जैसे एक युद्धपति गजराज का सामना करने के लिए दूसरे युद्ध का अधिपति गजराज बढ़ जाता है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए घटोत्कच पर बाणों की बौछार करते हुए कर्ण ने उसके ऊपर निकट से आक्रमण किया। प्रजानाथ, राजन, पूर्वकाल में जैसे इंद्र और संभासुर का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार कर्ण और राक्षस का वो संग्राम बड़ा भयंकर हुआ। वे दोनों भयंकर टंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षतविगत करते हुए आच्छादित करने लगे। तदनंतर वे दोनों भी धनुष को पुनः खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गाढ़ वाले बाणों द्वारा परस्पर काष्ठ निर्मित कवचों को छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को रोकने लगे। जैसे दो सिंह नखों से और दो महान गजराज दांतों से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों योद्धा रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। वे सहायकों का संधान करते करके एक दूसरे के अंगों को छेदते और बाणमयी उल्काओं से दग्ध करते थे। उससे उन दोनों की ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उन दोनों के सारे अंग बाणों से घावों से भर गए थे और दोनों ही खून से लथपथ हो गए थे। उस समय वे जल का स्रोत बढ़ाते हुए गेरू के दो पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। दोनों के अंग बाणों के अग्रभाग से छिदकर छलनी हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को उत्तीर्ण कर रहे थे, तो भी वे महातेजस्वी वीर परस्पर विजय के प्रयत्न में लगे रहे और एक दूसरे को कंपित न कर सके। राजन, युद्ध के जुए के प्राणों की बाजी लगाकर खेलते हुए कर्ण और राक्षसों का वो रात्रि युद्ध दीर्घकाल तक समान रूप से ही चलता रहा। घटोत्कच तीखे बाणों का संहार करके उन्हें इस प्रकार छोड़ता कि वे एक दूसरे से सटे हुए निकलते थे। उसके धनुष की टंकार से अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा भी भय से थर्रा उठते थे। नरेश सर, जब कर्ण घटोत्कच से आगे न बढ़ सका
तब उस अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ वीर ने दिव्यास्त्र प्रकट किए, क्योंकि ये जरूरी हो गया था बहुत। कर्ण को दिव्यास्त्र का संधान करते देख पांडुनंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी महामाया प्रकट की। ये तत्काल ही शूल, मुद्र, शिलाखंड और वृक्ष हाथ में लिए हुए घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना में घिर गया। तो दोस्तों, जितना रात बढ़ता जाएगा, जितना अंधकार होता जाएगा, उतना घटोत्कच की राक्षसी शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, भयानक कालदंड धारण किए समस्त भूतों के प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए आते देख वहाँ उपस्थित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो उठे और उसका इल्यूजन पावर भी बढ़ेगा। घटोत्कच के सिंहनाद से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झरने लगे और मनुष्य भी अत्यंत व्यथित हो गए। तदंत चारों ओर से पत्थरों की अत्यंत भयंकर एवं भारी वर्षा होने लगी। आधी रात के समय अधिक बलशाली हुए राक्षसों के समुदाय वो प्रस्तर वर्षा करने लगे कर रहे थे। लोहे के चक्र, भुसुंडी, शक्ति तोमर, शूल, शतग्नि और पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों की अविरल धाराएं गिर रही थी। नरेश्वर, उस अत्यंत भयंकर एवं उग्र संग्राम को देखकर आपके पुत्र और योद्धा भयभीत होकर भाग चले। अपने अस्त्र बल की प्रशंसा करने वाला एकमात्र अभिमानी कर्ण ही वहाँ खड़ा रहा। उसने मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट किया। अपनी उस माया को नष्ट हो जाने पर घटोत्कच ने आमर्ष में भरकर भयंकर बाण छोड़े जो सूत पुत्र के शरीर में समा गए। तदनंतर वे रुधिर में रंगे हुए बाण उस महासमर में कर्ण को छेद कर कुपित हुए सर्प के समान धरती पर समा गए। इससे शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले प्रतापी वीर सूत पुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा। उसने घटोत्कच का उल्लंघन करके उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। सूत पुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में वितीर्ण होकर अत्यंत व्यथित हुए घटोत्कच ने दिव्य सहस्त्र चक्र हाथ में लिया। उस चक्र के किनारे छुरे के लगे हुए थे। मणि और रत्नों से विभूषित वो चक्र प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध में भरे हुए भीमसेन कुमार घटोत्कच ने अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से उस चक्र को चला दिया, परंतु अत्यंत वेग में फंसा फेंका गया। वो घूमता हुआ चक्र कर्ण के बाणों द्वारा आहत हो भाग्यहीन के संकल्पों की भांति व्यतीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चक्रों को गिराया गया देख क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। परंतु रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी सूत पुत्र कर्ण को इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने तुरंत ही पंखदार बाणों से घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब कुपित हुए घटोत्कच ने सोने के कड़े से विभूषित गदा घुमाकर चलाई, किंतु कर्ण ने बाणों से आहत होकर वो भी नीचे गिर पड़ी। तदनंतर अंतरिक्ष में उछलकर उस विशालकाय राक्षस प्रलयकाल के मेघ की भांति गर्जना करता हुआ आकाश से वृक्ष की वर्षा करने लगा। तब कर्ण भीमसेन के मायावी पुत्र को अपने बाणों द्वारा आकाश में उसी प्रकार बिंधने लगा जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा मेघों को बिंध देता है। उसके सारे घोड़ों को मारकर और रथ के सैकड़ों टुकड़े करके कर्ण ने वर्षाकाल वाले मेघ की भांति बाणों की बृष्टि आरंभ कर दी। घटोत्कच के शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो बाणों से वितीर्ण ना हो गया हो। वो दो ही घड़ी में कांटों से युक्त साई के समान दिखाई देता था। समरांगन में बाणों के समूह से घिरे हुए घटोत्कच को, उसके घोड़ों को, रथ को तथा ध्वजा को भी कोई नहीं देख पाते थे। वो मायावी राक्षस कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने अस्त्र द्वारा काटते हुए वहाँ सूत पुत्र के साथ महामायामय युद्ध करने लगा। उस समय माया तथा शीघ्रकारिता से के द्वारा वो कर्ण को कर्ण के साथ लड़ रहा था। आकाश से कर्ण पर अलक्षित बाण समूहों की वर्षा हो रही थी। कुरुश्रेष्ठ भरतनंदन, वो विशालकाय महामायावी भीमसेन कुमार घटोत्कच माया से सबको मोहित करता हुआ ससावर बिचरने लगा। उस माया द्वारा बहुत से विकराल एवं अमंगल सूचक मुख बनाकर सूत पुत्र के दिव्यास्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। फिर वो महाकाय राक्षस धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर रणभूमि में आकाश से सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ दिखाई दिया। उस समय उसे मरा हुआ मानकर कौरव दल के प्रमुख वीर जोर जोर से गर्जना करने लगे। इतने ही में वो दूसरे बहुत से नए नए शरीर धारण करके संपूर्ण दिशाओं में दिखाई देने लगा। फिर वो बड़ी बड़ी
बाहों वाला एक ही विशालकाय रूप धारण करके मेनक पर्वत के समान दृष्टिगोचर हुआ। उस समय उसके 100 मस्तक तथा 100 पेट हो गए थे। तत्पश्चात वह राक्षस अंगूठे के बराबर होकर उछलती हुई समुद्र की लहर के समान कभी ऊपर और कभी इधर उधर होने लगा। फिर पृथ्वी को फाड़कर वो पानी में डूब गया और दूसरी जगह पुनः जल से ऊपर आकर दिखाई देने लगा। इसके बाद आकाश से उतर कर वह पुनः अपने सुवर्ण मंडित रथ पर स्थित हो गया और माया से ही पृथ्वी आकाश और संपूर्ण दिशाओं में घूमता हुआ कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के समीप जाकर विचरने लगा। उस समय उसका मुख कुंडल सुशोभित हो रहा था। प्रजानाथ, अब घटोत्कच सम्रल रहित हो सूत पुत्र कर्ण से बोला, सारथी के बेटे खड़ा रहे, अब तुम मुझसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा। आज मैं समरांगण में तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। क्रोध में लाल आंखें किए वो क्रूर पराक्रमी राक्षस उपयुक्त बात कहकर आकाश में उछला और बड़े वेग से अट्टहास करने लगा। फिर जैसे सिंह गजराज पर चोट करता है उसी प्रकार वो कर्ण पर आघात करने लगा। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पर रथ के धुरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। अपने ऊपर प्राप्त हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने दूर से ही काट गिराया। भरतश्रेष्ठ, कर्ण के द्वारा अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया सृष्टि की। वो भिक्षा बलियों द्वारा हरे भरे शिखरों से सुशोभित एक अत्यंत ऊंचा महान पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल प्रास खड़ग और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की स्रोत बहने लगा। घटोत्कच को अंजन राशि के समान काला पर्वत बनकर अपने झरनों द्वारा भयंकर अस्त्र शस्त्रों की प्रवाहित करते देख कर भी कर्ण के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए से अपना दिव्यास्त्र प्रकट किया। उस दिव्यास्त्र द्वारा दूर फेंका गया वो पर्वतराज क्षण भर में अदृश्य हो गया और पुनः आकाश में इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर वो अत्यंत भयंकर राक्षस सूत पुत्र कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब अस्तविद्या में श्रेष्ठ वैकर्तन दानी कर्ण ने वैव्यास्त्र का संधान करके उस काले मेघ को नष्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अल्लायुद्ध का युद्ध स्थल में प्रवेश तथा उसके स्वरूप और रथ आदि का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का वो युद्ध चल ही रहा था कि पराक्रमी राक्षसराज अल्लायुद्ध वहाँ उपस्थित हुआ। वो शस्त्र विकराल रूप वाले राक्षसों से घिर कर अपनी विशाल सेना के साथ दुर्योधन के पास आया। उसके साथ अनेक रूप धारण करने वाले वीर राक्षस मौजूद थे। वो पहले के वैर का स्मरण करके वहाँ आया था। उसका कुटुंबी बंधु बांधव भक्षी पराक्रमी बकासुर भीमसेन के द्वारा मारा गया था। उसके सखा हिडिंब और महातेजस्वी किरमिर भी उन्हीं के हाथ से मारे गए थे, भीमसेन के हाथ से। इस प्रकार दीर्घकाल से मन में रखे हुए पहले के वैर को उस समय वो बारंबार स्मरण कर रहा था। रात्रि में होने वाले इस संग्राम का समाचार पाकर रणभूमि में भीमसेन को मार डालने की इच्छा से वो मतवाले हाथी और क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति युद्ध की लालसा मन में रखकर दुर्योधन से इस प्रकार बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे राक्षस भाई बंधु हिडिंब बक और किरमिर को किस प्रकार वध कर डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा तथा दूसरे राक्षसों का अपमान करके पूर्वकाल में राक्षस कन्या हिडिंबा के साथ भी बलात्कार किया था। इससे बढ़कर दूसरा अपराध क्या हो सकता है। अतः राजन, मैं सैन्य समूह घोड़े हाथी रथों सहित भीमसेन को तथा मंत्रियों सहित हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को मार डालने के लिए स्वयं आया हूँ। श्री कृष्ण जिनके अगुआ है उन सभी कुंती कुमारों को मारकर आज मैं समस्त अनुचरों के साथ उन्हें खा जाऊंगा। अतः आप अपनी सारी सेना को रोक दीजिए, पांडव के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। तो दोस्तों, भीमसेन ने बलात्कार नहीं किया था, जबकि राक्षसों का मनुष्यों के साथ शादी करना मना था उस समय, ठीक है, इसीलिए वो राक्षस ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, जबकि हिडिंबा खुद भीम से शादी करना चाहता था। तो अतः आप अपनी सारी सेना को रोक दीजिए, पांडवों के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। उसकी ये बात सुनकर भाइयों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अल्लायुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, राक्षसराज, सैनिकों सहित तुम्हें आगे रख कर हम लोग भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि जिनका मन वैर का अंत करने में लगा हुआ है वे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा,
ऐसा ही हुआ। राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहकर राक्षसराज अलायु तुरंत ही राक्षसों के साथ भीमसेन पुत्र घटोत्कच के सामने गया। राजेंद्र, उसका शरीर दैवीतमान हो रहा था, वो भी सूर्य के समान तेजस्वी वैसे ही रथ पर आड़ू हो गया था जैसे रथ से घटोत्कच आया था। उसका विशाल रथ भी अनेक तोरणों से विचित्र शोभा पा रहा था। उसकी गड़गड़ाहट भी अनुपम थी। उसके ऊपर भी रीछ का चाम मड़ा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 400 हाथ थी। उसके रथ में जुते हुए घोड़े भी हाथी के समान मोटे शरीर वाले शीघ्रगामी और गड्ढों के समान उच्च स्तर से हिनहिनाने वाले थे। उनकी संख्या 100 थी। वे विशालकाय अश्व मांस और रक्त भोजन करते थे। उसके रथ का गंभीर घोष भी महामेघ की गर्जना के समान जान पड़ता था। उसका धनुष भी विशाल सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त तथा सुवर्ण जटित सोने के कारण प्रकाशमान था। उसके बाण भी शिला पर तेज किए हुए थे। वे भी धुरे के समान मोटे और सुवर्णमय पंखों से सुशोभित थे। अलायुध भी वैसा ही महाबहु वीर था जैसा कि घटोत्कच था। अलायुध का ध्वज भी अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी था। वह गिदड़ समूह से चिन्हित दिखाई देता था। उसका स्वरूप भी घटोत्कच के ही समान अत्यंत कांतिमान था। उसका मुख भी विकराल और प्रज्वलित जान पड़ता था। उसकी भुजाओं से बाजूमान चमक रहे थे। मस्तक पर दीप्तिमान मुकुट प्रकाशित हो रहा था। उसने हार पहन रखे थे। उसकी पगड़ियों में तलवार बंधी हुई थी। उसका शरीर हाथी के समान था और वह गदा भुसुंडी मूर्छल हल और धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। अग्नि के समान तेजस्वी पूर्वाक्त रथ के द्वारा उस समय पांडव सेना को खदेड़ता हुआ अलायुध युद्धस्थल में सब और घूमकर आकाश में बिंदुमालाओं से प्रकाशित मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। राजन तब पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ महाबली वीर योद्धा नरेश भी कवच और ढाल से सुसज्जित हो हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर से उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भीमसेन और अलायुद्ध का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, युद्धस्थल में भयंकर कर्म करने वाले अलायुद्ध को आया देख सभी कौरव योद्धा प्रसन्न हुए। उसी प्रकार आपके दुर्योधन आदि पुत्रों को भी बड़े हर्ष हुआ, मानो समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले नौकाहीन पुरुष को जहाज मिल गया हो। वे पुरुष प्रवर कौरव अपना नया जन्म हुआ मानने लगे। उन्होंने राक्षसराज अलायुध का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उस रात्रिकाल में जब कर्ण और घटोत्कच का अत्यंत भयंकर एवं दारुण अमानुषिक युद्ध चल रहा था, उस समय ना तो अश्वत्थामा, ना कृपाचार्य, ना द्रोणाचार्य, ना शल्य और ना कृतवर्मा ही घटोत्कच का सामना कर सके। अकेला दानवीर कर्ण ही रणभूमि में उसके साथ जूझ रहा था। राजन, पांचाल योद्धा अन्य राजाओं के साथ विस्मित होकर वह युद्ध देखने लगे। उस प्रकार आपके सैनिक भी इधर उधर उसी युद्ध का दृश्य देख रहे थे। समरांगन में हिडिंबा कुमार घटोत्कच का वो अलौकिक कर्म देखकर घबराए हुए द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अब हमारी ये सेना नहीं बचेगी। महाराज, कर्ण के जीवन से निराश होकर आपकी सारी सेना उद्विग्न हो उठी। सर्वत्र हाहाकार मचा था, सबके होश उड़ गए थे। उस समय कर्ण को बड़े भारी संकट में पड़ा देख दुर्योधन ने राक्षसराज अलायुध को बुलाकर इस प्रकार कहा, वीरवर, देखो ये सूर्यपुत्र कर्ण हिडिंबा कुमार घटोत्कच के साथ जूझ रहा है। युद्धस्थल में जहाँ तक इसके प्रयत्न से होना संभव है, वहाँ तक वो महान पराक्रम प्रकट कर रहा है। भीमसेन के पुत्र ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा जिन सूरवीर नरेशों को घायल करके मार डाला है, वे हाथी के गिरे हुए वृक्ष के समान यहाँ पड़े हैं। इन्हें देखो वीर, तुम्हारी अनुमति से ही समरांगन में संपूर्ण राजाओं के बीच इस घटोत्कच को मैंने तुम्हारा भाग नियत किया है, अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डालो। शत्रुनंदन, कहीं ऐसा ना हो कि ये पापी घटोत्कच मायाबल का आश्रय ले वैकर्तन कर्ण को पहले ही नष्ट कर दे। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु राक्षस ने, मतलब अलायुध ने, बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। प्रभु, तब घटोत्कच ने भी कर्ण को छोड़कर अपने समीप आए हुए शत्रुओं को बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। फिर तो क्रोध में भरे हुए उन दोनों राक्षस राजों में वन के भीतर हथिनी के लिए लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के समान घोर युद्ध होने लगा। राक्षस से छूटने पर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। आते हुए कर्ण की उपेक्षा करके समरांगन में सिंह के चंगुल से फंचे हुए सांड की भांति घटोत्कच को
अलायुध का ग्रास बनते देख योद्धा में श्रेष्ठ भीमसेन सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा बाण समूह की वर्षा करते हुए अलायुध के रथ की ओर बड़े वेग से बढ़े। प्रभु उस समय उन्हें आते देख अलायुध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा। राजन, राक्षसों का विनाश करने वाले भीम ने सहसा निकट जाकर सैनिक गणों सहित राक्षसराज अलायुध को अपने बाणों से ढक दिया। शत्रु का दमन करने वाले नरेश उसी प्रकार अलायुध भी कुंती कुमार भीमसेन पर शिला पर तेज किए हुए बाणों द्वारा बारंबार वर्षा करने लगा। आपके पुत्र को विजय पुत्र की विजय चाहने वाले वे भयंकर राक्षस हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर टूट पड़े। बहुत से योद्धाओं की मार खाकर महाबली भीमसेन ने उन सबको पाँच पाँच तीखे बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन के बाणों की चोट खाकर वे क्रूर बुद्धि राक्षस भयंकर चित्कार करने और दसों दिशाओं में भागने लगे। भीमसेन के द्वारा उन राक्षसों को भयभीत होते देख महाबली राक्षस अलायुध ने बड़े वेग से भीमसेन पर धावा किया और उन्हें बाणों से ढक दिया। तब भीमसेन ने सम्रांगण में तीखी धार वाले बाणों से अलायुध को छत्रविगत कर दिया। अलायुध ने भीमसेन के चलाए हुए कुछ बाणों को रणभूमि में काट दिया और कुछ बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ से पकड़ लिया। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने राक्षसराज अलायुध को ऐसा पराक्रम करते देख उस समय उसके ऊपर वज्रपात के समान अपनी भयंकर गदा बड़े वेग से चलाई। ज्वाला ज्वाला से व्याप्त हुई उस गदा को वेग से आते हुए देख अलायुध ने उस पर अपनी गदा से आघात किया। फिर वो गदा भीम के पास ही लौट आई। फिर कुंती कुमार भीमसेन ने राक्षसराज अलायुध पर बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके भी सभी बाण व्यर्थ कर दिए। उस रात में भयंकर रूपधारी संपूर्ण राक्षसों ने भी राक्षसराज अलायुध की आज्ञा से कितने ही रथों और हाथियों को नष्ट कर दिया। उन राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और संजय बक्सी क्षत्रिय तथा उनके घोड़े और बड़े बड़े हाथी भी शांत ना हो पा सके। उस भयंकर वर्तमान महायुद्ध को देखकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन देखो महाबाहु भीमसेन राक्षसराज अलायुध के वश में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र ही उन्हीं के मार्ग पर चलो, कोई दूसरा विचार मन में ना लाओ। दृष्टिदुम्य सिकंडी साथ रहने वाले युधामन्नु और उत्तमोजा तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करो। पांडुपुत्र नकुल सहदेव और पराक्रमी सात्यकी ये तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें। महाबाहु तुम भी द्रोण जिसके अगुआ है इस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको, क्योंकि नरभाग्र पांडव सेना पर महान भय आ पहुंचा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी महारथी उसके आदेश के अनुसार रणभूमि में बैकर्तन कर्ण और उन राक्षसों का सामना करने के लिए चल दिए। तदनंतर प्रतापी राक्षसराज अलायुध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काट डाला। साथ ही उन महाबली निशाचर ने युद्ध में भीमसेन के देखते देखते पहने बाणों द्वारा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथ से नीचे उतर कर गरजते हुए भीमसेन ने उस राक्षस पर अपनी भारी एवं भयंकर गदा दे मारी। भयानक शब्द करने वाली उस विशाल गदा को आती देख भयंकर राक्षस अलायुध ने अपनी गदा से उस पर आघात किया और बड़े जोर से गर्जना की। राक्षसराज अलायुध के उस भयदायक घोर कर्म को देखकर भीमसेन का हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया और उन्होंने शीघ्र ही गदा हाथ में ले ली। फिर दिशाओं के टकराने की आवाज से भूतल को अत्यंत कंपित करते हुए उन दोनों मनुष्यों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। गदा से छूटते ही वे दोनों फिर एक दूसरे से गुद गए और वज्रपात की सी आवाज करने वाले मुक्कों से एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अमर्स में भरकर वे दोनों रथ के पहियों जीवों घूरों बैठकों और अन्य अन्य उपकरणों से तथा जो भी वस्तु समीप मिल जाती उसी को लेकर एक दूसरे को चोट करने लगे। वे मदसापी मत वाले गजराजों के समान अपने अंगों से रुधिर की धारा बहाते हुए एक दूसरे से भिड़कर बारंबार खींचातानी करने लगे। पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब वो युद्ध देखा तब भीमसेन की रक्षा के लिए हिडिंबा कुमार घटोत्कच को भेजा। तो दोस्तों ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलता है अगले चैप्टर, दोनों सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध और घटोत्कच के द्वारा अलायुध का वध तथा दुर्योधन का पश्चाताप।